हिमाचल प्रदेश में अपने दौरे पर पहुंचे एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष MS बिट्टा ने हिमाचल पहुंचते ही माजवाला देवी शक्तिपीठ में पवित्र ज्योतियों के दर्शन किए और माजवाला से आशीर्वाद लिया। उन्होंने अनौपचारिक प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र मजबूत हुआ है, जिसका परिणाम है कि जम्मू और कश्मीर में अब फिजाएं बदल गई है और आए दिन होने वाली घटनाओं पर अंकुश भी लगा है। जहां नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाई है, वहीं अयोध्या में राम मंदिर के मसले पर भी राजनीति करने वालों के ऊपर विराम लगा दिया है। यह अपने आप में राष्ट्र को मजबूत करने की पहल है, इसे हमें राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। हमारी भारत माँ सबसे बड़ी सुरक्षित है, हमारी सीमाएं सुरक्षित है, हमारे जवान सुरक्षित है, हमारा राष्ट्र मजबूत है और हर व्यक्ति के मन के अंदर, हर पॉलिटिकल मन के अंदर एक चीज आए, प्रथम राष्ट्र है तो हमारे मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद गिरजाघर सब मजबूत है। अगर हमारा राष्ट्र कमजोर है तो सब कुछ कमजोर है। उसकी मिसाल आपके सामने है, आपने देखा होगा राम जन्मभूमि पे हमला हुआ, अक्षरधाम पे हमला हुआ, रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ, हरमंदिर साहब पे हमला हुआ। तो ये सारी चीजें तभी होती हैं जब हमारा राष्ट्र कमजोर होता है। जब हमारा राष्ट्र मजबूत होता है, हमारे सेवाएं सुरक्षित रहती हैं। तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, पहले का जम्मू कश्मीर और आज का जम्मू कश्मीर, कहाँ टेररिज्म है, कहाँ बम ब्लास्ट है, कहाँ गोलियां हैं, क्योंकि राष्ट्र मजबूत है। इसलिए हमारा राष्ट्र हमेशा मजबूत रहे, यही भगवान श्री माता रानी के चरणों में हमारी प्रेरणा। सर जी, पर मैं जहां भी जाता हूं मुझे भी पता उसका जो आज का चेहरा है वो मेरे सामने आ जाता है ना। हम कहते हैं हमारी उम्र भी उसको लगते, भगवान उसकी उम्र लगती है, क्योंकि प्रथम राष्ट्र नरेंद्र मोदी जी को नवाज शरीफ या बेनजीर भुट्टो या मुशर्रफ ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और उन्होंने राष्ट्र के लिए अच्छा काम किया और उसकी एक मिसाल है। आप मुझे बताओ, 6 साल के अंदर तो ब्लास्ट हुआ दीनानगर पठानकोट की घटना के बाद, एक भी ब्लास्ट हुआ, एक भी गोली चली, चाहे बॉम्बे हो, बॉम्बे में ट्रेनों में ब्लास्ट होती थी, 26/11 की घटना हुई, दिल्ली में पार्लियामेंट में अटैक हुआ, जयपुर के अंदर 120 लोग एक दिन के अंदर मारे गए बम ब्लास्ट, जगह जगह त्योहारों के अंदर बम गोलियां चलते थे। तो लोगों को, पोलिटिकल पार्टियों को राजनीति गंदी को छोड़ करके प्रथम राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए, क्या हमारे बहनों के आज सुहाग सुरक्षित है। निर्माण होना 500 साल का खून से सजा हुआ इतिहास, कितनी शहादतें, कितनी कुर्बानी हुई, कितने दंगे फसाद हुए। बॉम्बे में 1903 में दाऊद इब्राहिम ने अगर ब्लास्ट किए थे तो राम जन्मभूमि के कारण ही किए, ठीक है। राम जन्मभूमि का निर्माण, आप हम कभी भी कोई तकलीफ खुशी गमी होती हम कहते हे राम, कहते ना हे राम, पर हे राम का निर्माण जो भगवान के उन्हीं करते, सदा सदा के लिए कई कैंसर की जो बीमारियां थी, 70 साल की 370 धारा की कैंसर की बीमारी, राम जन्मभूमि के अंदर जो इतना विवाद था, सारे मसले सॉल्व कर दिए, ना दंगे हो, ना फसाद, ना गोली चले, ना बम ब्लास्ट हो, आम आदमी सुरक्षित रहे। राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों को अपना फिक्र हो सकता है, हम ये सूर वीरों की भी दृष्टि है, ये देवभूमि भी है, हमें वहां से हम आए हैं, परिवार समेत आए हैं, तो इसलिए आए देवभूमि मत्था टेकने आए। सूर वीरों की धरती में सबसे ज्यादा शहादतें हर गांव से हुई है ना, 72 जो पैंट हो या बड़े बड़े हमले, पुलवामा का हमला हो, सवाल सबसे बड़ा कि इस देवभूमि के अंदर, और ये शरीफ लोगों की भी धरती है। हम नीचे उतरेंगे ना पंजाब में, हमारे दिमाग चलने शुरू हो जाते हैं, ब्रेन चलने, चलाकी शुरू हो जाती है, पंजाब हो या कहीं, तो ये शरीफ लोग, बोले लोग हैं, बोले लोग मैं मानता हूँ जो भगवान का रूप होता है, हर जगह पे पूरे देश में दुनिया में चलाकी यहाँ वो नहीं है जो पहाड़ों का एक, और यहाँ आके शरीफ लोगों को धमकाने की कोशिश करे इंग्लैंड में, है ना, उसके लिए फिर मैं खड़ा। अगर पंजाब के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए अपना शरीर तोड़वाया है तो मुझे फख्र है, तो हिमाचल में क्यों, हिमाचल के लोग क्यों आए आगे, वो अपना काम करें, ये मेरा काम कर्म है। उन्होंने कहा था शिमला में तिरंगा झंडा नहीं लहराएंगे, हिमाचल में नहीं लहराने देंगे, तो मैंने चैलेंज किया, और चैलेंज उस वक्त नहीं किया, चैलेंज मैंने 8 दिन 10 दिन पहले किया, मैं आ रहा हूँ तिरंगा झंडा लहराने के लिए। पहाड़ी एरिया को रस्ते में पहले की तरह कार बम भी लगा सकता है, वो हमला भी कर सकता है,
हमारे जवानों ने, हमने मौत का कफन बांध लिया, बच गए तो बच गए, हमारी किस्मत। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ज्वालामुखी से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।